आज दिखाता हूँ आपको एक 2-in-1 कन्वर्टेबल फैन। इस फैन को टेबल फैन की तरह भी यूज किया जा सकता है और पेडेस्टल फैन की तरह भी। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसे असेंबल होता है ये फैन और इसको चलाकर इसकी परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हमारे पास है वी गार्ड का एक पेडेस्टल फैन फाइनेस्टा एसटीएस प्लस। वी गार्ड का ये फैन एक हाई स्पीड फैन है विद 1350 आरपीएम एंड इस फैन के ऊपर वी गार्ड की तरफ से 2 साल की वारंटी ऑफर की जाती है। इस फैन में कई कलर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कलर का चुनाव कर सकते हैं। हमारे पास कौन सा कलर आया है ये तो हमें बॉक्स ओपन करके ही पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं इस बॉक्स को ओपन। बॉक्स के अंदर मिलती हैं हमें ये सारी चीजें। ये है ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस और वारंटी कार्ड, इसमें सारी चीजें लिखी हैं ये कैसे असेंबल होगा फैन और किस तरह से इसके जो फंक्शंस हैं वो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको रखते हैं। और दोस्तों हमारे पास है ब्लैक कलर का फैन। जैसे कि मैंने आपको बताया था काफी कलर ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास ब्लैक वाला आया है। ये देखिए इसका जो ग्रिल है ये भी ब्लैक है और जो फैन ब्लेड है वो भी ब्लैक कलर के हैं। और ये इसका जो ग्रिल है ये फ्रंट साइड से है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। हालांकि इसको हम असेंबल करेंगे और इसके ऊपर हमें वी गार्ड की ब्रांडिंग मिलती है। और ये इसका रिंग है जो इन दोनों को अटैच करेगा ग्रिल्स को। देन हमें एक ये छोटा सा स्पेसर मिलता है, ये भी इंस्टॉलेशन में काम आएगा। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसका बेस है, ये देखिए दोस्तों ये इसका बेस है। काफ़ी बड़ा बेस है और बहुत ही ज़्यादा वेट है इसका, और ज़्यादा वेट होने के कारण ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, यानी कि गिरेगा नहीं इधर उधर। और ये बिल्कुल ये देखिए ग्लॉसी फिनिश में है, बहुत अच्छा लुक है इसका, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ये देखिए ये इसका रॉड है एक, जो टेलीस्कोपिक हाइट एडजस्टमेंट के साथ हमें मिलेगा। और ये है इसकी मेन मोटर, आप देख सकते हैं ये भी ब्लैक कलर की है, ग्लॉसी फिनिश में है। तो टोटल ब्लैक कलर का ये फैन हमें रिसीव हुआ है। और यहाँ पर इसके बटन्स दिए हैं इसकी स्पीड्स को एडजस्ट करने के लिए। तो ये किस तरह से काम करेगा ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल लिखा है फाइनेस्टा एसटीएस प्लस। और तार काफ़ी लंबी है और 2-pin सॉकेट है, इजीली किसी भी सॉकेट में लग जाएगा। तो फटाफट से अब इसको करते हैं असेंबल और देखते हैं कैसी लुक आती है इसकी और किस तरह से ये परफॉर्म करता है। फ्रेंड्स, बॉक्स में हमें ये सारी चीज़ें मिली थी, तो चलिए अब इसकी असेंबलिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह से इसकी असेंबलिंग हो सकती है। एक ये पार्ट है जो अगर आपको इसे टेबल फैन की तरह यूज़ करना है तो ये यूज़ में आएगा, और अगर आपको इसे पेडेस्टल फैन की तरह यूज़ करना है तो ये अटैचमेंट काम आती है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से बोल्ट जो है अनस्क्रू करते हैं, क्योंकि यही बोल्ट टेबल फैन में भी काम आएगा और इस तरह इस अटैचमेंट को लगाने में भी काम आएगा। तो पहले हम इसको एज ए टेबल फैन असेंबल करेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अटैचमेंट है इसमें 2 ग्रूव बने हुए हैं और इस तरफ से एक यहाँ पर होल है। सो ये जो बेस है इसका, यहाँ पर एक ग्रूव है, तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ जाएगा और उस ग्रूव में इस तरह सेट हो जाएगा और नीचे से ये जो बोल्ट है ये इसमें टाइट हो जाएगा और इसको आप इस तरह से टाइट कर देंगे और किसी प्लायर की मदद से या हाथ से ही अच्छे से टाइट कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ये जो हमारा माउंट है ये तैयार हो गया। अब इस पे हम जो ये मोटर है हमारा इसको सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि ग्रूव है और ये एक यहाँ पर स्क्रू दिया है। ये जो स्क्रू है ये बेसिकली जब हम टाइट करेंगे तो ये इसके अंदर टाइट होता है, और यहाँ पर जो हमें होल दिया है इस वाले माउंट में ये इसमें टाइट हो जाएगा और इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको इस पे इस तरह से प्लेस करेंगे, और क्योंकि वो बैक साइड पे है बिल्कुल, तो हम उसको बैक साइड पे ले जाकर इस तरह से टाइट कर देंगे। यहाँ पे एक ये अटैचमेंट है तो इसको हमने अनस्क्रू करना है, तो इसको पहले खोल लेंगे और उसके बाद एक ये है इसको भी खोल लेंगे
क्योंकि यहाँ पर हमें ग्रिल सेट करनी है। तो ये जो बैक वाली ग्रिल है इसमें यहाँ पर एक हैंडल दिया है, तो ये वाला पोर्शन हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से प्लेस करेंगे और जो ये है इसको दोबारा से यहाँ पे टाइट कर देंगे सो दैट कि हमारा जो ये ग्रिल है ये अच्छे से यहाँ पर फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ग्रूव दिया गया है और सिमिलरली मोटर की शाफ्ट में यहाँ पर एक पिन लगाई गई है। ये जो पिन है ये इस ग्रूव में सेट होगी, तो ये इस तरह से सेट हो जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने ये कैप उतारी थी ये दोबारा से यहाँ पर टाइट हो जाएगी और ये इस तरह से फैन ब्लेड को पकड़ के इसको अच्छे से हमने टाइट कर देना है। फ्रंट ग्रिल लगाने से पहले हमें ये जो रिंग है इसको प्लेस करना पड़ेगा। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए ग्रूव होते हैं दो, तो एक ग्रूव में पीछे वाला ग्रिल आता है और एक ग्रूव में आगे वाला, जिससे कि दोनों जो ग्रिल हैं वो एक साथ टाइट हो जाते हैं। और अब हम लगाएंगे इसका फ्रंट वाला ग्रिल। तो जो फ्रंट वाला ग्रिल है उसकी आप देख सकते हैं इसको सीधा लगाना है। अब जो ये वाला स्क्रू है ये हमें टाइट करना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जिससे कि ये जो ग्रिल्स हैं ये अच्छे से टाइट हो जाए। तो पेडेस्टल फैन के लिए हमें ये वाला माउंट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो इसके बॉटम में भी आप देख सकते हो ग्रूव है और इस बेस में ग्रूव है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और ये इस तरह से रॉड यहाँ पर लग जाती है और नीचे से ये जो बोल्ट है ये इस तरह से टाइट हो जाता है, ताकि जो माउंट है वो अच्छे से टाइट हो जाए। तो ये देखिए आप इस तरह से अब इसके ऊपर ये फ़ैन लग जाएगा और इस फैन की हम हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सिंपली इसको इस तरह से प्लेस करना है और यहाँ पर जो ये बोल्ट दिया है स्क्रू दिया है इसको टाइट कर देना है, ताकि इस रॉड के ऊपर ये फ़ैन अच्छे से फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं तो ये है इसकी फाइनल लुक। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये फ़ैन टेलीस्कोपिक हाइट एडजस्टमेंट के साथ आता है, तो इसकी हाइट हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसको थोड़ा सा लूज़ करना है और इस तरह से इस फैन की हाइट को हम बढ़ा सकते हैं और वापस से यहाँ से टाइट कर देंगे तो ये वहीं पर स्टेबल हो जाता है। सिमिलरली अगर हमने इसकी हाइट को कम करना है तो यहाँ से इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे और ये रॉड अंदर चला जाता है और इसको हम फिर से टाइट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसका हाइट एडजस्ट कर सकते हैं जब हम इसको पेडेस्टल फैन की तरह यूज़ करेंगे। इस फैन को हम टिल्ट भी कर सकते हैं, तो ये एक स्क्रू है इसको हम यहाँ से लूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से ऊपर की तरफ टिल्ट कर सकते हैं या फिर इस तरह नीचे की तरफ टिल्ट कर सकते हैं। आपको जिस भी पोजीशन पे इसको रखना है वहाँ पर सेट करके इस स्क्रू को टाइट कर देना है। वी गार्ड के इस फैन में हमें 3 स्पीड्स मिलती हैं जिनको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 स्पीड्स के ऑप्शंस हैं और जो 0 वाला बटन है इसको प्रेस करते हैं जब हम, तो ये फैन ऑफ हो जाता है। तो चलिए इसको स्पीड नंबर 1 पे ऑन करते हैं। तो जैसे ही फैन ऑन किया मैंने, बहुत स्मूथ इसके ऑपरेशंस हैं और काफ़ी तेज ये एक नंबर पे भी चल रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये एक हाई स्पीड फैन है और इसके RPM भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से हम इसकी स्पीड को बटन प्रेस करते ही बढ़ा सकते हैं। तो टॉप स्पीड इसकी 3 है, तो इस तरह से इसकी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं। नाउ अगर हम इसको रिवॉल्व करना चाहें तो पीछे की तरफ यहाँ पर एक लीवर दिया है, इसको जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो इस तरह से ये मूव करने लगता है। अगर रूम में काफ़ी सारे लोग बैठे हैं तो उन सभी को ये इस तरह से हवा देने का काम करता है और इसकी ये रिवॉल्विंग काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और बहुत अच्छा एयर फ्लो ये प्रोवाइड करता है। और इसकी ये रिवॉल्विंग रोकने के लिए इस लीवर को दोबारा से हमें ऊपर की तरफ पुल करना है और ये रिवॉल्विंग रुक जाती है।
दोस्तों वी गार्ड का ये पंखा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी है, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। इसको मैंने अपने ऑफिस में भी यूज़ किया है, घर में भी यूज़ किया है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इसकी, हवा बहुत अच्छी देता है, एयर थ्रो बहुत अच्छा है इसका और उसकी वजह है एरोडायनेमिक ब्लेड्स जिसकी वजह से एयर कटिंग बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा एयर थ्रो मिलता है। इसमें हाई स्पीड मोटर का यूज़ किया गया है, एक पावरफुल एंड एनर्जी एफिशिएंट मोटर है जिसकी प्रोटेक्शन के लिए इसमें इनबिल्ट ओवरलोड और ओवरहीट प्रोटेक्शन भी दिया गया है। अगर किसी वजह से मोटर ओवरहीट हो जाती है तो फैन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है जिससे मोटर सेफ रहती है। इसका बेस काफ़ी बड़े साइज का है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है इस फैन को। इसमें टिल्ट एडजस्टमेंट भी दिया गया है और हाइट एडजस्टमेंट भी दिया गया है। इस फैन को हम एज ए टेबल फैन भी यूज कर सकते हैं और पेडेस्टल फैन भी। तो अगर आप एक टेबल फैन लेना चाहते हैं या फिर पर्टिकुलरली एक पेडेस्टल फैन लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आपको वी गार्ड का फाइनेस्टा एसटीएस प्लस फैन लेना चाहिए क्योंकि इस फैन को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, पेडेस्टल फैन की तरह भी और टेबल फैन की तरह भी। इस फैन के ऊपर आपको वी गार्ड वाले 2 साल की वारंटी ऑफर करते हैं। काफी सारे कलर ऑप्शंस हैं, आप किसी भी कलर में इस फैन को खरीद सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ब्लैक कलर है, ये भी बहुत बेहतरीन लग रहा है। बाकी जितने भी कलर हैं वो भी बहुत ही ज्यादा अपीलिंग है। आप इस फैन को खरीदने के लिए स्टोर्स में विजिट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अगर ये फैन ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां से भी इस फैन को खरीद सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वी गार्ड का ये फैन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।